मास्टर कैसे आ रही है लुक लौंडिया देख कर जाएंगे मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये देखो लहंगा रजवाड़ा स्टाइलिश सर गिरी हमें तो ये वाला चाहिए सर फाइनली वली मेरे लिए दुल्हन बन चुकी है गाइस इस तरह की सास उमंग गाइस अभी हमने मंगाया अपने लिए परांठे क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज की और यहाँ पर कुछ चिप्स विप्स भी आई हैं। सोचा था व्लॉग भी स्टार्ट कर ही देते क्योंकि आज सिस्टर की सास सुमो अपने घर चले जाएंगी। फिर हमने सोचा चलो रात को भूख भी लग रही थी थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं। जामा मस्जिद आए थे खाना खा गए थे बट क्या करें फिर से भूख लग गई। फटाफट से परांठे खाते हैं फिर ये कार में लोडेड सामान कराएंगे। बट अभी तो 3 बजे जो अभी हमारे चाचा आएंगे ना वो बता नहीं कब आएंगे जब आएंगे जब दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे घर के सामने देखो पूरे में लाइट जली पड़ी और रात को इतनी ठंड हो रही है ना सच बताऊं घर मेरी कप कपी सी बन रही है। सोया नहीं रात को पूरी रात खेलता है इसे भी पता नहीं क्या लत लग गई है। जिनी आवाज तेज गूंज रही बाहर पूरे मोहल्ले में गूंज रहा है। अरे बाजी ने खा लिया और दूसरा डायलॉग डायनासोर इतनी हो रही है यहाँ पर ध्यान और लगा के बैठ चुका भूत की मूवी और हमें डर लगने लगा बट हमें कोई नहीं हमने अपना माहौल बना रखा पूरी मूवी फूवी का। यहाँ पर मैंने अपने लिए फ्रूटी फन पॉप सब चीज का चीज खा गए और मूवी देख रहे हैं आराम से सारा सामान। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है वैसे तो हम पूरी रात सोए नहीं थे और फाइनली जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा सारा सामान आ चुका है। आधा सामान हमने कार के अंदर रख लिया आधा और रखवाते हैं। ये क्या है भाई देखो कार में फाइनली पूरा सामान लोड हो चुका है इतना सारा सामान आ चुका भाई इको का भी बड़ा फायदा होता है अगर हम अपने कार में रखते उसमें तो एक सीट पर भी नहीं आ पा रहा। इसमें चाचा ने पीछे ही फिट कर दिया और एक पन्नी आ चुकी है एक थैला यहाँ पर आ चुका है और सारा सामान बिल्कुल फिट हो गया। हमारी हुर्री भी आ चुकी है तू भी जा रही है हुर्री हमारी हुर्री भी जा रही है आज तो सुबह 7 बजे ये भी पूरी रात सोती नहीं। तो भाई आज फाइनली सिस्टर के साथ हम अपने घर जा रहे हैं सारा सामान लोड करा दिया है बट यार कोई बात नहीं यार 5-6 दिन तो बहुत अच्छा लगा था बट अब जा रहे तो आज है गाइस छोटी दिवाली। अरे कहाँ जाने का नाम ले अरे भाई अंदर आ जाओ अभी कुत्ता काट लगा। तो यहाँ पर मुर्गे की भी हो गई है पक 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 पक। अम्मी ने अल्लाह हाफिज कर दिया अम्मी चलो सलाम फलाम कर लो और कुछ बात करनी हो तो वो भी कर लो अस्सलाम वालेकुम बाय बाय सबको बाय सिस्टर की सास उमम गई बाय बाय। ये लोग कौन थे सर जो चले गए जा पूछ क्या सुबह ही सुबह चली गई है और आ रही है ऐसी नींद बस जाके पड़े आना है। कैसा लग रहा है तुम्हें बताओ रिएक्शन बताओ ना मतलब तुम्हारी अभी आंखों में आंसू आकर रो रही थी मैंने छुपो जा कोई बात नहीं शादी होगा न होके घर पर ही रही हो भाई टाइम देख लो मैं आपको टाइम भी दिखा दूं सुबह के 7 बज रहे हैं। जय मुर्गी चोर अरे भाई के अंदर आ चुके हो बनाने की पता नहीं क्या हो चुका 7 बजे आने लगी और अब्बू भाई आराम से ऊपर सो रहे हैं। अम्मी हमने सासू माँ को अलविदा भी कर दिया है और अम्मी गले लग रख के वॉमिटिंग का बड़ा झंझट होता है यार ये पता नहीं क्या था पन्नियों में अम्मी करके पूछा मैंने कुछ आए हाय चलो कोई बात नहीं कार के शीशे गंदे होते हो जाएंगे। अब उठिया हुए ओ हेलो गाइस ओ हेलो जी देख ले इसे बिल्कुल अभी तक कुछ पता नहीं है अभी सपनों में इकरा के सपनों में सोया पड़ा है। तुम अब सफाई कर रही हो नोगे जब थी जब तो तुमने सफाई नहीं करी है सामान लगा हुआ था। अब देखना हमारा घर कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ऐसा लग रहा है आलीशान घर में आ चुके अरे भाई मजाक कर रहा था इतनी जगह घिरी हुई थी ना इसलिए बट अच्छा सा लग रहा था ऐसा लग रहा था कितना सामान है हमारा और आराम से और अब भी देख लो 7 बजे अभी हम जाग रहे थे बट मेरे बड़े नींद सुबह चाचा लेगा चाचा तुम क्यों ले गए तो आ रही है बहुत तगड़ी नींद। अब देखते हैं मेरी सुबह कितने बजे खुलती है वाह आंटी ओ तेरे हो चुकी है हमारी गाइस 2:21 पर बिल्कुल सही 2 बजे उठा तुम्हारा वाइफ पर नींद ऐसी आई थी रात को पढ़ते ही मुझे बेहोश हो चुका और सुबह फिर आप खुल गए मजे वाली अब करते हैं बहुत तेज की लग रही है मुंह नाश्ता ला रही है अम्मी या 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 ये किस चीज के लिए ला रही हो मिठाई फिटाई किसकी शादी हो गई इतने मिठाई के डिब्बा थक गए तेरा अब लेते अच्छा अब फ्रेंड देकर आ रही है दिवाली की वजह से अरे भाई थैंक यू जिन जिन ने डब्बे देते हैं 5-10 डब्बे मुझे दिखाना है ईमानदारी चलो अभी गिनेंगे देखते हैं कल तक कितने आएंगे उन्हें सारे गिनेंगे बोल रहा है। चलो इसके अंदर मिठाई कौन सी है ओए होए बढ़िया वाली है नाश्ते में है चाय बटर ब्रेड करते हैं फटाफट से नाश्ता अभी आए हैं भाई हमें इनवाइट करना है हकीकत है भाई बहनों का है भाई 14 नवंबर को इनवाइट करना है तो भाई लाए मेरे लिए गिफ्ट अनस नाम तुम्हारा ही है अनबॉक्सिंग अभी करें बाद में करनी है बाद में जब ये कह रहे जब हम चलेंगे जब अनबॉक्सिंग करेंगे चलो अगर मैं आना हुआ तो आज जरूर आऊंगा आपके हकीकत में। तो हमारे लिए गिफ्ट आता शुक्रिया आप हमारे लिए गिफ्ट लाए बहुत अच्छा लगा आप देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है माशाल्लाह काफी प्यारा लग रहा है शुक्रिया आपने हमें गिफ्ट दिया जादू भी है देखो 3-2-1 ओए ओए माशाल्लाह देखो अभी से हम यही लगा देते हैं लाइट को वाला कितना अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस अभी यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग आ रहे हैं मीटअप में भी आए थे बट मीटअप में मिल नहीं पाए थे एक बाबा बढ़िया
भाई सबसे क्यूट है, चलो तुम बोल के दिखाओ भाई। बढ़िया। लेने जा रहा हूँ मैं वही सामान पैक करने वाली पन्नी, जो लाया था वाली तो सारा सामान हो चुका, और जो सामान बचा आप दोबारा से पन्नी लाने, बट वो थोड़ी सी कमजोर थी, अब मुझे लाने टाइट पन्नी। सको हम 20-30 किलो एक पन्नी के अंदर सामान आ जाए और इजीली से उठा सके। ओए यहाँ तो ट्रैफिक लग रहा है, हमें जाएंगे साइड में से। अरे स्विमिंग पूल के पास से, इधर स्विमिंग पूल है, इधर रोड है, वाह। और यहाँ भी लग चुका है जाम, कहीं भी जाओ जाम से नहीं बच पाओ, पूरी गलियों में भी जाम है तगड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से जाम में से ले, इतना गाड़ी वहाँ पर खड़ी करके आनी पड़ी, और जो पन्नी चाहिए थी वो हमें पन्नी यहाँ पर मिल चुकी है ब्लू वाली। तो इसका सिंगल पीस, वो मैंने ये पन्नी ली है मजबूत वाली थी, ये वाली ब्लू कलर की फुल टाइट पन्नी है। इसमें एक पैकेट आया, एक पैकेट मार दिया 15, तो ये वाली बाई कर लिया भाई से करी, तो भाई बहुत बढ़िया पन्नी है तुम्हारी। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, और वहाँ पर बेचारी एम्बुलेंस फंसी पड़ी है, बहुत देर से आधा घंटा हो चुका बट अभी तक रास्ता नहीं खोला कोई भी। तो कितना ट्रैफिक लगा पड़ा है, कहाँ से निकलूं, पूरा ब्लॉग हुआ पड़ा है बिरमपुरी का रास्ता, बीच में ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ भाई। आज चलो यहाँ से निकलते हैं, पर बेचारे किसी की शॉप के आगे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, मैंने यार वहाँ जाऊंगा, निकलने नहीं आगा एक घंटे से पहले। अरे मम्मी कहाँ चली, हम जा रहे हैं आज वली में का लहंगा लेने, मतलब सिस्टर का लहंगा लेने वली में वाला। अबे उस दिन तो लिया था जब हम, वो तो निकाह का था, अच्छा वो निकाह का था, आज वली में का लोग ही भाई। आज हम जा रहे हैं सिस्टर की वली में का लहंगा लेने फाइनली। अब देखते हैं सिस्टर को पसंद आया, वली में का ही तो चाहिए ना ये बारात, बारात को तो अब वली में का आउटफिट चाहिए, और देखते हैं भाई सिस्टर पसंद आएगा तुम्हें नहीं आएगा। चलो भाई पसंद तो आया, चलो लेट्स गो जल्दी जल्दी चलते हैं। अम्मी मैं हम तीनों ही चलते हैं, चीज मेरी चीज। भाई सिस्टर की सासू मामा आए थे ना, तो वो वहीं से वहीं उन्होंने पसंद करा दिया था, फिर दिलवा दिया था, हमें बस आज लेने जाना है बस। बढ़िया भाई, शादी फादी है क्या आज है? अरे मैं सोच रहा मेरी शादी हो गई, आज दावत में आयो, मम्मी जल्दी आ जाओ। और आज मैं लेट उठा था ना, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ चाय पी थी, और अब फन पॉप कर रहा हूँ। मम्मी मुझे खाना भी खिला था ना आकर, वीडियो का सीजन चल रहा है ना, तो इस वजह से पूरी मार्केट में भीड़ ही भीड़ है। अंकल भीड़ क्यों हो रही है, तुम भी शादी की शॉपिंग करने आयो है? बता दो कौन सा गुटखा खा रहे हो? कमला बाजार, हाँ हैशटैग महंगी बातचीत भाई। अब निकल के इसलिए अब पैदल आया था, बाइक पे गया था, तो देख लो क्या हालत हो चुकी थी, इसलिए पैदल इजीली चले आते हैं। सिस्टर ने भी एक ज्वेलरी बाय करी अपने लिए, बहुत ही प्यारी है सिस्टर के हाथ में। सिस्टर ने नहीं दिली, ब्लॉग में मत दिखाई हो, मैंने चल नहीं दिखाता हूँ। आ चुके खुफिया रास्ते में सिस्टर की सासू मामा ने एक तो काम अच्छा करा, कल पसंद करा के फाइनल कर गई थी। आ चुके शोरूम में, अभी हमारा जो लहंगा था वो हमें आने वाला है, और भाई ने एक और दिखाया सिस्टर के लिए, मुझे एक और बाय करना है, तो ये वाला देखो डिजाइन का, और एक वो डिजाइन है भाई ने, देखो दो डिजाइन दिखाया, दोनों डिजाइन काफी अच्छे हैं। कमेंट बताओ रेड या वो पता नहीं कौन सा कलर है, वो भी मेहरूम कर दिखा। नहीं इसमें मजे नहीं आया उस्ताद, इसमें मजे नहीं आया, थोड़ा हट गया। अब मैं सुनो ना, जब यूँ कहूँ अच्छा ना, जब भी तोड़ दिखाएंगे, हाँ। जब भी समझ करो। अगर कह दिया मैंने एक ही अच्छा लग रहा था, तो वही वाला दे देंगे, ले आओ उस लहंगे पे टिक जाएंगे इस वजह से। इन्हें लो और निकाल के दिखा दे, ओए होए ये लग रहा उस्ताद, मैं मया पेन के दिखा दो एक बार। हेलो भाई ने पेन के लिखे आए, अभी तो ये बाहर से खुला बनी है, जब इसके अंदर वो क्या बोलते हैं कैन फेन लगी, जब फूल जाएगा पूरा, बढ़िया लग रहा है। पसंद करो कौन सा भाई ने, पूरा खतरनाक सीन दिखाओ सिस्टर के लिए, हमें तो ये वाला चाहिए। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये अभी आएंगे, ये कहाँ के ब्रांच है? राजस्थानी है भाई साहब, देख लो राजस्थान वाले कमेंट करना कि राजस्थान की है क्या। तो देखो सिस्टर ने वाला लगा के देखा, सिस्टर ये कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं? अच्छा मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अलग ही शाइनिंग मार रहा है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर और देखो, क्योंकि भाई पर इतने वो है वैरायटी, तो कंफ्यूज होते हैं, तो ये वाला फाइनल करें वलीमे के लिए ना, वलीमा फिर के लिए। भाई तुम्हारी दावत है, बताऊँ क्यों दावत कर रहा हूँ भाई, डिस्काउंट मिलेगा ना, तो भाई तुम्हारी भी दावत है। तो भाई सिस्टर को हमने बना दिया फाइनली दूल्हा, सर कैसी आ रही है लुक, लौंडिया देख कर जाएंगे, बढ़िया लग रहा है ना भाई साहब। सिस्टर फाइनली वली में के लिए दुल्हन बन चुकी है, चलो फाइनल करें, बढ़िया भाई, बहुत ही अलग लग रहा है, दूर से भी देख रहा हूँ ना, कितनी दूर से जाऊँ, जैसे अलग खड़ी है, जैसे इन्हों में देखो ये वाला भी दिल कर रहा है। अब जितना तुम देखोगे वली में अलग कलर चूज, अब जितना देखोगे उतना कन्फ्यूज होगी, इसलिए कोई एक पर डिसाइड करो। भाई अभी डिजाइन निकलवा के लाए स्पेशल, तो भाई फटाफट से देखते हो खतरनाक। ये देखो लहंगा रजवाड़ा स्टाइलिश पीस, बिल्कुल डिफरेंट कट के यूनिक, वाह भाई एंड लग रहा है। इसकी कोटी भी सेम होगी ना कलर में? नहीं कोटी मैरून है भाई। अच्छा ये तो हल्दी का आगा ना यार, हल्दी का पीला होता है, मस्टर्ड कलर। अच्छा ओ मुझे पता नहीं है ना, सॉरी भाई साहब, अब आ चुका फॉर्म में। एक बताओ, एक डांस कर दो बस, पेन का घूम बस एक कर दो, डिमांड है। कह रहे नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, एक निकल आया क्या बोलते हैं पिस्ता कलर, पिस्ता तो महंगा हो रहा है ना काफी, आप इसे महंगा दोगे सस्ता नहीं देंगे? अरे भाई चलो कोई बात नहीं भाई, प्योर पिस्ता है ना, जो भी सीन है बढ़िया लग रहा है। देखो और डिजाइन दिखाओ भाई खतरनाक से, भाई ने बहुत सारे हमारे लिए खोल दिए, कम से कम 10 लेंगे तो खोल दिए, ते बनाते भाई आज हवा फूस से आएगी, 10 मिनट में हो जाएगा। अबे वाह भाई ट्रेंड है ना, इसलिए खोला दीवानगी तेरी आशिक में हुआ पागल। कितना सस्ता डायलॉग हुआ,
वातो वातो हमारा मूड खराब कर दिया। दिखा दिया प्योर गोल्ड भाई, सोना छुटेगा कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अम्मी के लिए जो पैसे लुटेंगे पैसे तो लुटेंगे नहीं, सोना इसमें से निकालते रहेंगे। ये भी कलर काफी अच्छा, सारे अच्छे लग रहे हैं, कोई से भी पसंद करो। भाई ने देखो ये लगा के दिखाया, लगाने में काफी अच्छा लगता है, जब भी पता लगती है। हाँ जी कौन सा आ रहा है पसंद, मैं देखते रहना आगे बताओ। देखो बेचारे एक मॉडल ये खड़े, एक मॉडल भाई ये खड़े। देख ये वाला कलर बहुत अच्छा, कलर तो मुझे सारे पसंद लग रहे जोन और ये भी लग रहे। फिर ये बताओ चॉइस कौन सा करना है तुम्हें? अब मेरे थोड़े ना वाली, मैं तेरा वाली, मैं मेरा होता तो भाई तुम्हें पता है। अच्छा सॉरी, हाँ अरे वो भी हो जो भी कुछ भी वाली में। चलो बताओ जल्दी डन करो। लग रहा है तुम भाई अब थक चुका, मजे नहीं दिला रहे लहंगों में। स्टार्टिंग में तुम्हें इतने खतरनाक खोले पता, यहाँ पर बैठे बैठे चमकनी से पूरा हो चुका हूँ, पूरे कपड़ों पर देखो चमकनी चमकनी होती है। सिस्टर को बट पसंद नहीं आ रहा जो हमारे लहंगे थे, जो सिस्टर की कल सासू मम आए थे उन्होंने पसंद कराए थे, वो अभी हमने मंगा लिया। सिस्टर वाले ब्लॉग में दिखाना है? नहीं वाले डायरेक्ट शादी वाले, शादी पे देखने जैसे बनवाए ना हमने फुल खतरनाक लोग। ओए ओए भाई साहब सच बता रहा हूँ, ये हमने मुझे ये देखते ही पसंद आ चुका है। ये नहीं आ रहा पसंद? अबे यार इनकी मुझे पसंद है नहीं पसंद, मुझे तो ग्रीन वाला इतना अच्छा लग रहा है, इन्हें पसंद आ रहा है और ये मुझे इतने अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ग्रीन वाला पसंद सिर्फ। तो गाइस अब आ गया है अरमान शॉप। अरमान कह रहा है मैं भी लहंगों की दुकान पे लगूंगा। बस बस ये कलर अच्छा लग रहा है और इसका डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, बट अम्मी और सिस्टर को ये पसंद नहीं आ रहा है, वो दूसरा कलर आ रहा है, वो अभी हाइड रखता है। मैंने सिस्टर ने और अम्मी ने एक और लहंगा पसंद कर लिया, बट वो मेरे नजरों के सामने उसे नहीं दिखाएंगे। भाई कर रहे हैं करके वाले नहीं दिखाएंगे, बहुत अच्छा लिया इनसे सबसे हटके लिया। तो कुछ ना पसंदीदा लहंगा मिल चुका, रीजनेबल प्राइस में मिल चुका, बढ़िया बिल्कुल। जब पैसा लाने तो बंधे हुए नोट लाते नहीं है, क्या चिल्लर गिनते कब तक गिनते रहेगी। अभी हम आधे पेमेंट कर रहे हैं और फुल कल पेमेंट कर देंगे। मैंने ले लिया अपने हाथ में थैला पकड़ लिया और एक सिस्टर थैला ला रही है, मम्मी हाथ खाली चल रही है। भाई साहब मजा आ चुका शॉपिंग करके, यहाँ पर आए थे तो हम अपने वाले लेने, बट एक और पसंद आ गया, मुझे लग रहा है दूसरा लेना होगा ना, उसके बाद एक और पसंद आ जाएगा फिर वो भी बाय कर लेंगे। दन, 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 दन। आए थे तो थोड़े दिन में, फिर अम्मी ने आधा घंटा लगाया अपना सेट लेने में, उसके बाद लगा दिया दो तीन घंटे लहंगा लेने में, बट कोई बात नहीं, जो अच्छा हो जाता है ना शॉपिंग आराम से है ना, जल्दबाजी में तो मिलता नहीं है। पर हाँ गाइस एक खुशखबरी और बहुत, जिसको आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो फाइनली हमारे पास चीज आ चुकी है, बट अभी खाते हैं खाना। मैं अभी होटल गया था तो रोटी फोटी लेकर आया हूँ, अभी खाना खाने जा रहे थे, इतने में हमारे भाई लोग आ चुके और भाई आए मुझसे बस और ये दावत में शाम लग रहा है खाना नहीं खाएगा, आवाज नहीं आएगा तुम्हारे अंदर है? एक बार और बस मैं सब्सक्राइबर से मिलने गया था, तुमने तो यहाँ तो सबूत उधार दिया, मेरा वेट तो कर दे थोड़ा सा, एक प्लेट तेल ने रहने दिया बेटा। हाँ वो तो सही, पर यार हम एक साथ खाते हैं, तूने मजा खराब कर ठंडा कर दे। चलो कोई बात नहीं, तूने ना दो प्लेट खाया ना जाया यार, चाहे दो प्लेट खुद ने खाया, थोड़ा बोल है, देखो बोल गया ना, खुशखबरी थी हम बता देते हैं, हमारी फाइनली खूबसूरत व्हाइटनिंग क्रीम अवेलेबल हो चुकी है स्टॉक में, स्टॉक इतना आ चुका है आपकी बात। ये देखो हमें अपने हाथ पे ला रही है, हाथ भी गोरा कर रही हो क्या, फेस गोरा करो, हाथ नहीं गोरा कर रहे हैं, वो दिखा रही इतनी नमी है क्रीम में, ओहो हो चमकेगा शीशा सा। भाई ये रही हमारी खूबसूरत व्हाइटनिंग क्रीम और स्टॉक देखो कितना ज्यादा के आया है, और एक चीज और हम लॉन्च करने वाले हैं, हमारा साबुन भी आ चुका है हमारा, से बहुत ही सारे फायदे होते हैं साबुन से। इसे जिसे को भी चाहिए इंस्टा पर यार, हाँ हमारे घर के नीचे आना पड़ेगा, जिसे भी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आ जाने से आई स्टॉक फिर खत्म हो गया ना, फिर वही ना एक दो दिन लग जाते हैं आने में, सही बात है ना, मैं जिसे चाहिए कितने पाँच छह सबको दे दोगे ना, आवाज तो जल्दी जल्दी लेना। और हमारे खूबसूरत साबुन है बहुत ही अच्छा है, इसका रेट आपको होर वाली आईडी और पता नहीं, यहाँ पर पोस्टर आ रहा है, यहाँ पर इसे मैसेज करना, क्रीम के भी फायदे पूछना, पैसे भी सब चीज इंस्टाग्राम पर ही बताएंगे, होर वाली आईडी पर जाकर मैसेज कर लेना। तो चलो आप बोल देते हैं फटाफट से कमेंट, तो फर्स्ट कमेंट है सल्लू अंसारी, आज बाजी कबाब खा लिया, आज बाजी कबाब खा लिया, आज बाजी खूबसूरत क्रीम लगाओ, जब भी गोरे हो जाओ, साबुन इतना अच्छा आपका चेहरा शीशे की तरह चमकेगा। सेकंड कमेंट है हासिम, डब्बे में केक, अरमान भाई लाखों में एक, आ मेरी जान, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, अल्लाह आपको और कामयाब दे, आमीन। भाई आप ऐसे प्यार करते रहना और हमारी खूबसूरत व्हाइटनिंग क्रीम बाय करना और गोरे होके छा जाना। तो चलो आपका जुड़े के लिए चले, तो लाइक करना, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।